गाइस आज मेरा शूट हो रहा है जुबान किचन। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो बिल्कुल मिस नहीं करना, एक बार मेरे कहने से आप जरूर ट्राई करें। हाँ, और साथ में अपना ब्लॉग देख रहे हैं। जो लास्ट हम लोग को ये माउथ फ्रेशनर रिसीव हुआ है ये है गुड़ के लड्डू मास्क। कैसा लगा? तो फिर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, वो बच्चे यहाँ पे कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। और बैक टू माई YouTube चैनल, आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा अभी स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग गए थे एक शूट पर, आप वो आगे देखिएगा, और काफ़ी अच्छा शूट रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अभी मैं पोहा खा रही थी ब्रेकफास्ट में, और साथ ही साथ ब्लॉग भी देख रहे थे हम लोग। ब्लॉग देख रही हैं। तो गाइस पोहा खाने के बाद मैं हो गई थी रेडी, और मुझे जाना है आज शूट पर, और वो देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आज आपको खिलाने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया खाना। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और शूट करने वाले हैं, तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाते हैं फिर हम लोग चलते हैं। चलते हैं, ये आ चुके हैं, और आज धूप ही निकल आई है। मैं जा रही हूँ समन के साथ शूट करने, हम लोग छोटे थे तो हम लोग ये इंडिया खाया करते थे। मैं शूट करने आई थी और यहाँ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। और कैसे हो आप लोग? हेलो, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कॉलेज से, बीयू से। एग्ज़ाम हो गया? एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद ना। और कैसे लगते हैं व्लॉग्स? बढ़िया। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मिलकर। गाइस आज मेरा शूट हो रहा है जुबान किचन पर, और यहाँ हम लोग फूडिंग टेस्ट करेंगे कैसी है। इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा देती हूँ, और मैं ये बताऊँगी आपको कि यहाँ पार्टी हॉल भी है, तो आके आप बुकिंग कराकर पार्टीज़ भी, जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं वो भी करा सकते हैं। पार्टी हॉल बहुत अच्छा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये रहा इंटीरियर, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। मैंने सुना था लेकिन आज मैंने देख भी लिया, और साथ ही साथ पार्टी हॉल भी है, तो वो भी मैं आपको पार्टी हॉल भी दिखा देती हूँ। ये रहा पार्टी हॉल, तो दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा पार्टी हॉल है। और देखिए आप देखिए, यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट अभी लगा हुआ भी है, यहाँ देखिए पूरा सिटिंग का भी काफ़ी अच्छा है। और ये भैया से पूछते हैं, यहाँ मैंने देखा है लूडो रखा है, चेस रखा है, और गिटार भी रखा है, तो इसका क्या सीन है, कि यहाँ गेम्स भी होते हैं? तो ये भी हम लोग अभी भैया से पूछ लेते हैं कि इसका क्या सीन है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने यहाँ एक नई चीज़ देखी, यहाँ रखा हुआ गिटार, तो इसका क्या सीन है यहाँ? इसका ये सीन है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है यहाँ की, अगर जैसे कि कस्टमर को लग रहा है कि हमारा ऑर्डर लेट हो रहा है, डिले हो रहा है 5 मिनट 2 मिनट, तो फिर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, वो बच्चे यहाँ पे कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और बड़े गिटार ट्राई कर सकते हैं फोटोज वगैरह के लिए। सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छे यहाँ पे, ये काफी अच्छा है। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि ये सारी चीजें सेटअप बना के रखा है, तो ये काफी अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई चार्जेबल, ये कोई चार्जेबल नहीं है। ओके, बिल्कुल आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग का आ गया है, जो की है लाल मांस, राजस्थान का फेमस है ये, और इसके साथ ये स्पेशलिटी है कि ये घी भी सर्व करते हैं। तो चलिए आज इसको ट्राई करके हम लोग देखते हैं। सो गाइस अब टेस्ट करते हैं लाल मांस, नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है, खाकर बताते हैं कैसा है। बहुत ज्यादा यम है, कुछ सेम वैसा टेस्ट आ रहा है जैसे घर में हम लोग जो स्टू बनाते हैं, स्टू वो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्पाइसी है। मेरे कहने से ना एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा। गाइस बहुत टेस्टी है, अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो बिल्कुल मिस नहीं करना, एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइस चिकन खाने के बाद समन का भी रिव्यू ले लेते हैं, सॉरी मटन, लाल मांस कैसा लगा? टेस्टी ना, बिल्कुल एकदम वो घर वाला टेस्ट आ रहा था ना। बहुत बढ़िया, प्रॉपर घर वाला। और उसके बाद कोक तो बनती है, तो फिर हम लोग कोक ले लेते हैं, और आपको तो जरूर आना चाहिए, क्यों समन क्या कहना चाहोगी? जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, एक बार तो ट्राई करिए आप आके। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर था दही के छोले और दही के कबाब भी हैं, तो ये भी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। इस मैंने दोनों चीज़ें टेस्ट करी हैं, दही के कबाब भी टेस्ट करे हैं, दही के छोले भी टेस्ट करे हैं।
जो लोग थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं उनको दही के छोले पसंद आएंगे, और मुझे थोड़ा सा मीठा कम पसंद है तो मुझे ये दही के कबाब ज़्यादा अच्छे लगे कंपैरिजन ऑफ दही के छोले। और अब समन टेस्ट करके बताइए आपको। चलो स्टार्ट कर दो। अच्छा ना, अब एक बार ये टेस्ट करो। अच्छा ना, दही के कबाब ज़्यादा, मतलब ये भी अच्छा है बट इसके कंपैरिजन में ना ये ज़्यादा अच्छा है। इस दही के छोले और दही के कबाब खाने के बाद हम लोग ने मंगाए चाइनीज प्लेटर, तो ये भी आपको टेस्ट करके बताते हैं और बताएंगे कि सबसे अच्छा क्या लगा। फिर सब कुछ टेस्ट करके देखा, वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरा फेवरेट इसमें रहा है मंचूरियन और फ्राइड राइस, मुझे बहुत अच्छे लगे। फ्राइड राइस तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि गार्लिक का जो टेस्ट आ रहा है ना बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर आया था वो था ये, इसका नाम है हीर रांझा। अब मैं बता देती हूँ इसका नाम हीर रांझा क्यों है, क्योंकि इसके बाहर जो कोटिंग है ना आपको दिख रही है वो मटन की है और ये जो अंदर है वो चिकन है, तो ये इसलिए इसका नाम दिया गया है हीर रांझा। गाइस जो लास्ट हम लोग को ये माउथ फ्रेशनर रिसीव हुआ है ये है गुड़ के लड्डू, तो ये भी खाकर देखते हैं। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, मैं भी खाकर देखती हूँ। फ्लेवर आ रहा है, ऊपर से गरी लगाई गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फूडिंग इतनी अच्छी लगी कि हम लोग ने खाया भी और पैक भी करा लिया। और यहाँ के फेमस जो पिकल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ सेल भी किए जाते हैं। तो मैंने जो अभी ग्रीन चिली खाया वो बहुत अच्छा था, ये मैंगो का है, ये रेड चिली है और भी काफ़ी सारे टिफिन है ये। अच्छा, ये विदाउट ऑयल है तो जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। जी जी जी, अच्छा उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा इसका नेम टिफिन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे अचार हैं। तो अगर आपको लेना हो, वैसे तो अचार तो सबको ही पसंद होता है, मैं भी लेके जाने वाली हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हींग का था, अच्छा ये हींग का अचार है। स्पेशलिटी आम के कोफ्ते का अचार, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो ये सारे हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप जुबान की चिना कर ले सकते हैं। चलते हैं गाइस, घर आ गए थे और हारून की तक क्यूट लग रहा है। हारून अपनी ड्रेस दिखाइए। अरे वाह, टर्न होइए हारून। ओ क्या हुआ, देख रहे हैं। घर पर और देखिए इन्होंने क्या करा दिया, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आप क्यों करा लेते हो ऐसे बार बार? जरूरी है कराना थोड़ा? नहीं कुछ जरूरी नहीं, नहीं नहीं कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। हमें तो खुद में अच्छे लग रहे हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे। और गाइज आप भी कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं ये। सो गाइज ये वाला ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे कहने से आप जुबान किचन जाकर लाल मांस ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था, तो वो ट्राई करना आप बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।